एक सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है कि सर इंडिया में 5G कब तक आने वाला है और कब तक हम लोग अभी 4G यूज करते रहेंगे और 5G यूज करने को कब तक हम लोगों को मौका मिलेगा। ये सारे चीज़ों का जवाब देने के लिए आज मैं आ गया हूँ। बहुत सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडिया में क्या सिचुएशन है अभी जो सर्विस प्रोवाइडर लोगों का, और 5G कब तक हमको इंडिया में देखने को मिल सकता है, ये सारे चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। सवालों का इस मेरा नाम है स्मृति रंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक टेक्नो। तो प्रीवियस वीडियो में जो लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट दिया था, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट दिए थे, उन लोगों के नाम और कमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक गाइज, लेट मी स्टार्ट विद द की वर्ड। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट इन द गुड सिचुएशन यार। जी हाँ, उन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है भाई। अभी टेलीकॉम सर्विस मतलब मैं बात कर रहा हूँ जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, ये चारों के बारे में, क्योंकि अभी यही चारों ही तो बचे हैं, एयरसेल, डोकोमो, वोकोमो, ये सभी चीज़ें तो मार्केट से कब तक जा भी चुके हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे ये सभी सर्विस प्रोवाइडर को कुछ 1,00,000 करोड़ यहाँ पे करने पड़ेंगे। अभी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, भाई इतना पैसे कैसे क्या हो गया। जी हाँ, ये जो पैसा है उन लोगों के टैक्सेस है, टैक्सेस वो लोग बहुत दिन से पे नहीं किए हैं, इसीलिए आगे कैरी फॉरवर्ड होते होते जा रहा है। यहाँ पे अगर वोडाफोन और आइडिया की बात करें तो उन लोगों को कुछ 50,000 करोड़ पे करना है और एयरटेल का भी कुछ यहाँ पे करना है कुछ अमाउंट। अगर जियो की बात करें तो जियो का यहाँ पे सबसे कम अमाउंट पे करना है जो कि 25,000 करोड़ से। भाई 25,000 करोड़ भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उन लोगों का जो टैक्स नहीं पे करने की वजह से यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड टैक्स आ गया है, मतलब उसी टैक्स के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट वगैरह लगा के ये सारे अमाउंट पे आ चुके हैं वो लोग। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर लोगों ने मार्च एंड तक ये जो बिल है उनको पे नहीं कर रहे हैं तो उनको अगेंस्ट में स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, व्हिच इज ए बैड न्यूज फ्रॉम 5G। और ऐसे भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को अगर 5G लेना है तो उन लोगों को एयरवेव्स खरीदने पड़ेंगे। जी हाँ, उन लोगों को एयरवेव्स परचेज करना पड़ेगा, जैसे कि वो लोगों ने 2G में किया, 3G में किया, 4G में किया, वैसे सेम के सेम उनको 5G में भी करना पड़ेगा। तो 5G एयरवेव्स उनको गवर्नमेंट की तरफ से परचेज करने पड़ेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो प्राइसेस रखा है वो है कुछ 492 करोड़ का। जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा 492 करोड़ फॉर 1 MHz स्पीड। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे 5G प्रोवाइड करना है तो उन लोगों को कम से कम यहाँ पे 100 MHz का एक ब्लॉक तो कम से कम लगेगा। अगर 100 MHz की बात करें तो यहाँ पे 492 × 100 तकरीबन यहाँ पे 5,000 करोड़ हो जाता है। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। अगर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के पूरे खर्चे की बात करें तो उन लोगों को सबसे पहले तो टैक्स प्रोवाइड करना है, टैक्स पे करना है उन लोगों को, उसके बाद उन लोगों को एयरवेव्स परचेज करना है गवर्नमेंट की तरफ से, और उन लोगों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। जी हाँ, 5G के हिसाब से उनके टावर वगैरह को डेवलप करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसके वजह से बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा यार, इंडियन टेलीकॉम सर्विस आर नॉट इन द गुड सिचुएशन, तो ये सारे चीज़ें आई थिंक दे कैनॉट अफोर्ड। अब सवाल ये है कि ये सारा पैसा आएगा कहाँ से और 5G मिलेगा कैसे हम लोगों को। भाई दिस इज द बिग मैटर नाउ। अभी हम कुछ पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे जिसके जरिए आप लोगों को मालूम पड़ेगा भाई यहाँ पे 5G का क्या सिचुएशन है इंडिया में और कब तक हम लोगों को 5G देखने को मिल सकता है। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ 5G इन द इंडिया नाउ। तो हो सकता है कि आगे जाके इंडिया में सिर्फ दो ही सर्विस प्रोवाइडर बचे, एयरटेल और जियो, क्योंकि आइडिया और वोडाफोन में बोला था जैसे कि अपने 2-3 के प्रीवियस वीडियो में, ये जो सर्विसेस है बहुत ही जल्दी शायद बंद हो सकता है क्योंकि उन लोगों के मार्केट जो है बहुत ही डाउन चल रहा है। हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे क्विट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं उन लोगों का मार्केट। तो यहाँ पे आइडिया और वोडाफोन का बात कर लीजिए तो आप लोगों को यहाँ पे 5G देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जियो और एयरटेल के बीच में यहाँ पे एयरटेल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो 5G स्पेक्ट्रम वाला प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, यहाँ पे वो लोगों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पे एयरटेल की तरफ से आप लोगों को कोई भी टाइप का 5G देखने को नहीं मिलने वाला। बट आई एम प्रीटी श्योर दैट जियो विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन 5G। जी हाँ, अगर आइडियल सिचुएशन रहेगा तो जियो सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में 5G लेके आ सकता है।
हो सकता है कि 4-5 साल लग जाए, पर सबसे पहले जियो ही यहाँ पे 5G लेके आएगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा यार, दिस इज़ नॉट द आइडियल सिचुएशन नाउ। अभी कैसे क्या सिचुएशन चल रहा है मार्केट में आप लोगों को मालूम रहेगा। इवन लोग अभी बहुत सारे रिचार्ज करना भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि भाई खाना वगैरह नहीं मिल रहा है तो रिचार्ज से क्या लेना देना। तो इसी सारी वजह से 5G का आने में उसी से ज़्यादा वक्त लग सकता है, 4-5 साल से भी ज़्यादा वक्त यहाँ पर लग सकता है। ठीक है भाई, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे 5G लेके आता है और हम लोग उसको यूज भी करने लगते हैं, तो आप लोगों को मालूम रहेगा भाई क्या उसका प्राइस कितना है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है उसका प्राइस कैसा रहेगा। यहाँ पे चाइना में जो 5G अभी चल रहा है उनके प्राइस के हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 5,000 से 6,000 हम लोग को मंथली पे करने पड़ता है। भाई अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 4G का ज़माना है और यहाँ पे हम लोग 150 से 200 रुपया देने पे यहाँ पे महीना भर चल जाता है यार नेट। 1.5 से 2 GB तकरीबन हम लोग को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5G इंडिया में आ जाएगा तो तकरीबन हमको 5,000 से 6,000 रुपये पे करना पड़ेंगे। जी हाँ, डेफिनेटली आई एम कन्वर्टिंग द करेंसी इन इंडियन करेंसी। 5,000 से 6,000 कम से कम आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। जो लोग सोच रहे हैं भाई ये सारे चीज़ें हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई, बिल्स विल नॉट कम इन 100, बिल्स विल डेफिनेटली कम इन थाउजेंड्स, जो कि आप लोग अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ऐसे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमको 5G फ़ोन ले या 4G फ़ोन ले, दोनों फ़ोन में कंपेरिजन वगैरह ये सारी चीज़ें भेजते रहते हैं। मैं उनको डेफिनेटली रिप्लाई वगैरह करता हूँ। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग सोचते हैं भाई 4G से अच्छा हम लोग 5G लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 5G इंडिया में नहीं आने वाला भाई, कम से कम तो 4-5 साल तक इंडिया में नहीं आने वाला। अगर आ भी जाता है तो इतना प्राइस पे रहेगा, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। और ऐसे भी आप लोगों को मालूम रहेगा कि भाई अभी जो मार्केट में जितने फ़ोन आने लगे हैं उसके लाइफ ही इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल चल गया तो बहुत ही अच्छा है भाई। तो अगर आप कोई भी फ़ोन परचेज करने के लिए जाते हैं तो 4G 5G के चक्कर में मत पड़िए यार, आप सिर्फ फीचर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। जो फ़ोन अच्छा फीचर्स देता है वही फ़ोन ले लीजिए। 4G 5G के चक्कर में पड़ेंगे तो अभी आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई 4-5 साल के अंदर तो लगता नहीं मुझे 5G यहाँ पे इंडिया में आने वाला है। जैसे कि अभी का सिचुएशन है, मैं उसके अंदर अंदाजा लगाया कि भाई यहाँ पे 5G आने का कोई भी चांस नहीं बनता। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ कमेंट, सुझाव और क्वेश्चन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बताना लाल कलर का बटन बस फोड़ देने का उसको। होप आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, दिस इज स्मृति रंजन त्रिपाठी साइनिंग आउट।